गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th अप्रैल 2020, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे इसके साथ ही, और स्टडी क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। कल का जो वीडियो था 10 अप्रैल का, उसका अजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम आशा करते हैं कि बाकी लोग भी जवाब देते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे हमारे वीडियो को। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 के नॉमिनी कौन बने हैं। मतलब कि देखिए, पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो वहां पे है, उसके जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नॉमिनी 2020 के कौन, किसे अपॉइंट किया गया, बनाया गया है, तो हो जाएगा जो बिडेन, जो पिछले बराक ओबामा के गवर्नमेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट थे जो बिडेन, उनको एज ए डेमोक्रेट ने क्या बनाया, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाया टू फेस या फिर टू चैलेंज रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी प्रेजेंट यूएस के प्रेसिडेंट है, उनका मुकाबला करेंगे जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, जिसका इलेक्शन 2020 में होना है। आपको यहां ये बता दें कि यूएस में दो पार्टी रूल है, एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक होता है रिपब्लिक पार्टी। तो अभी हाल फिलहाल अभी जो प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, और इसके पहले बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, जो बिडेन को बनाया गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म, मतलब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म टू कॉम्बेट टू कोविड-19। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, प्लेटफॉर्म का नाम पूछ रहा है आपसे कि उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है आईजीओटी जो है वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ट्रेनिंग मॉड्यूल और मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाए कोविड-19 के लिए, जो कि फाइट कर रहे हैं इसके पेंडेमिक के थ्रू जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। ये एक्चुअली एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसमें आई गोट बोल के इसका फुल फॉर्म जो होगा, आपको एक्रोनिम इसका नोट करना है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसको आई गोट रखा गया पोर्टल ऑन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD का दीक्षा प्लेटफॉर्म पर यह रखा गया है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको हैंडल करने के लिए कैसे कोविड-19 के पेशेंट को कैसे एफिशिएंटली वो हैंडल कर सके। अब ये आई गॉट जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, तो ये होगा डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, उसके साथ पैरामेडिक्स और हाइजीनिक वर्कर्स जो इन्वॉल्व होंगे हेल्थ केयर में, ताकि सब्सिक्वेंट स्टेजेस के लिए उनको प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आईजीओटी, इसका फुल फॉर्म बता चुके हैं। अच्छा, यहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, लास्ट क्लास में था कि HRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अभी प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। देखिए, लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमारे कंट्री में बहुत डिबेट चल रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कौन से स्टेट ने अपना खुद स्टेट ने एक्सटेंड कर भी दिया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने 30 अप्रैल 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ ये सीएम ने यह बोला भी है कि वहां पे जो जितने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है, फिर एक अपना इससे लेटर भी दिया है सेंटर को कि रेल सर्विसेज और एयर सर्विसेज 30 अप्रैल तक ना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि बाहर के लोग उड़ीसा में आएंगे और उड़ीसा में फैलने लगेगा ये कोविड-19। तो उसके लिए क्या किया है कि उसको एक्सटेंड किया गया। आपको इसमें नोट करना है कि उड़ीसा के सीएम कौन है, तो वो नवीन पटनायक, और गवर्नर पूछता है तो गणेशी लाल। आपको यहां से एक और क्वेश्चन बता दें, वो करंट अफेयर्स में था कि पेटा एनिमल ऑफ द ईयर अवार्ड नवीन पटनायक को मिल चुका है, जो कि उड़ीसा के सीएम है, जो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ अमाउंट सेंक्शन किया, जो स्ट्रे डॉग्स या फिर स्ट्रे एनिमल्स है जिनको अभी लॉकडाउन के अंदर खाना नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए खाना सप्लाई करने के लिए पैसा एक सेंक्शन अमाउंट सेंक्शन किया था। तो वहां पे पेटा अवार्ड से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट चलते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से इंडियन फोर्ब्स 2020 लिस्ट के बिलियनर्स में टॉप किए हैं, इंडियन का पूछ रहा है। तो इंडियन का ये अवार्ड्स या फिर लिस्ट जो टॉप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें पूछ रहा है कौन से इंडियन ने टॉप किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। आपको सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक है मुकेश अंबानी, फोर्ब्स 2020 लिस्ट के बिलियनर्स में टॉप करते हैं, और वो एज ए इंडियन टॉप करते हैं, वर्ल्ड में उन्होंने टॉप नहीं किया है। तो एज ए वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो वर्ल्ड में, मतलब कि वर्ल्ड में उनका रैंक है 17th रैंक, और उनका नेट वर्थ जो अभी इस समय जब ये लिस्ट प्रिपेयर हुआ था उस समय था $44.3 बिलियन का नेट वर्थ है, और वो 17 नंबर वर्ल्ड में है, इंडिया में पूछेगा तो फर्स्ट टॉप में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
किसने टॉप किया है वर्ल्ड में, फोर्ब्स लिस्ट में किसने टॉप किया वर्ल्ड में, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस ने टॉप किया, जो कि अमेज़न के फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, उन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स लिस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में टॉप किया था मुकेश अंबानी, यहां पे हो जाएगा जेफ बेजोस, जिनका नेटवर्थ रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड घोषित हुए हैं और उनका नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, और उनका नेटवर्थ जो है डॉलर मतलब कि 113 बिलियन डॉलर है। साथ ही साथ उसके बाद दो नंबर पे कौन है ये पूछ सकता है कि सेकंड लिस्ट में कौन है, तो हमारे सबके मतलब सबके जाने पहचाने बिल गेट्स, जो कि 98 बिलियन के साथ सेकंड नंबर पे थे, ठीक है। और ये जो फोर्ब्स लिस्ट था ये 34th एनुअल बिलियनर लिस्ट था, आज का मतलब आज तक का 34th एनुअल बिलियनर लिस्ट ये घोषित हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पांच नंबर क्वेश्चन था। छह नंबर पे चलते हैं, छह नंबर में पूछा गया कि वॉच डॉग किसको किस कंट्री को ब्लेम करता है केमिकल वेपन नेशन केमिकल वेपन एज ए नेशन फॉर टॉक्सिक अटैक्स, केमिकल वेपन का अटैक के लिए किस कंट्री को वॉच डॉग जो संस्था वो ब्लेम किया है, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया को वॉच डॉग ने क्या किया, बोला है कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट बशर अल असद है, यहां से प्रेसिडेंट का नाम नोट कीजिएगा, बशर अल असद के एयरफोर्स ने गैस सेरिन बोल के गैस था, सेरिन बोल के गैस एंड क्लोरिन साथ में क्लोरीन थ्री टाइम्स यूज किया था 2017 में, जब वहां पे आपको पता है कि वहां पे एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था और एक बशर अल असद का ग्रुप है जिसके बीच में हमेशा फाइट होता था, साथ ही साथ वहां पे आईएसआईएस भी था, तो ये फाइट को लेके वो रिवोल्यूशनरी को रोकने के लिए या फिर आतंकवादी जनरली रिवोल्यूशनरी को रोकने के लिए बशर अल असद जो कि वहां के प्रेसिडेंट है उनके एयरफोर्स ने दो गैस सरीन और क्लोरीन थ्री टाइम्स यूज किया 2017 में, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया ऑर्गेनाइजेशन ने, वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसमें पाया कि इन्होंने यूज किया है ये वार के टाइम पे, तो इसको उन्होंने कल्प्रिट माना है इसके लिए सीरिया को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन से एयरलाइंस ने 16,500 अपने वर्कर्स को रीहायर करने का बात बोला है कि फिर से वो हायर करेगा जिनको वो हटा चुका था ड्यू टू पेंडेमिक, डिसाइड टू रीहायर लेट ऑफ जिनको हटाया गया था पेंडेमिक कोविड 19 के वजह से, तो उनको फिर से रीहायर कर रहा है, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा एयर कनाडा। एयर कनाडा की जो मतलब कनाडा की जो एयरलाइन है एयर कनाडा, उन्होंने क्या किया था कि 16,500 एम्प्लॉयज को हटाया उस समय के लिए, हालांकि उस समय के लिए रोक दिया था जिसके वजह से ये एम्प्लॉयज की जॉब चली गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक स्टेप लेता है फर्स्ट इमरजेंसी के लिए, जबकि इमरजेंसी वेज सब्सिडी प्लान के अंदर उनको ये जो वर्कर्स थे 16,500 को उनको फिर से एयर इंडिया में इंक्लूड, सॉरी एयर इंडिया नहीं होगा ये एयर इंडिया हम लोग का है, एयर कनाडा होगा, एयर कनाडा में फिर से इनको इंक्लूड किया जाएगा जो कि ये हटाए गए थे पेंडेमिक के वजह से, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मिनिस्ट्री ने डेजिग्नेट किया डिजी लॉकर को एज ए सोल नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, ध्यान देना नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी एनएडी को किस मिनिस्ट्री ने डिजी लॉकर को एनएडी घोषित किया। अब आपको पता है कि डिजी लॉकर क्या है उसको हम बता दें, तो पहले आंसर सुन लीजिए कि हमारा जो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी कुछ टाइम पहले इस क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन था मिनिस्ट्री को लेकर एचआरडी मिनिस्ट्री, तो हम वहां पे बताया था कि रमेश पोखरियाल निशंक वो उसके मिनिस्टर है, तो यहां पे फिर पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने डिजी लॉकर को नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बना, मतलब कि एकेडमिक से रिलेटेड डिपोजिटरी बना। अब ये डिजी लॉकर है क्या, डिजी लॉकर एक ऐसा प्ले स्टोर में ऐप है जो कि डॉक्यूमेंट आप वॉलेट में सेव करते हैं, चाहे वो लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गाड़ी का पैन कार्ड हो गया, जितना टाइप का डॉक्यूमेंट, और उसको वो वैलिड माना जाता है विदाउट ओरिजिनल प्रूफ, क्योंकि गवर्नमेंट का वो बेस्ट एक ऐप है। तो वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितने हमारे स्टूडेंट जो कि यहां से मान लीजिए यहां से कहीं दूसरे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं या फिर इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट्स या सिटीज ट्रेवल करते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट उतना लेके जाना आना इतना फिजिबल नहीं होता, तो उसके वजह से ये मिनिस्ट्री क्या करता है, मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप डिजी लॉकर में अगर सेव करते हो डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो, जितना डॉक्यूमेंट अपना सेव करोगे वो सब वैलिड माना जाएगा, क्लाउड बेस्ड सर्विस में सेव करते हो तो उसको कोई इनवैलिड नहीं करार देगा, जितने हमारे इंस्टीट्यूशन सब उसको वैलिड मानेंगे, ठीक है। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं होमवर्क के लिए कि जो रमेश पोखरियाल निशंक है जिनका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उनका कंस्टिट्यूएंसी क्या है, कंस्टिट्यूएंसी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया कि सार्क डेवलपमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया है सार्क कंट्रीज को, सार्क सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हमारे इंडिया के जो नेबर्स है वही सार्क कंट्रीज है। तो पूछा है कितना फंड एलोकेट किया है, तो वो हो जाएगा आंसर
$5 मिलियन का एलोकेट किया है ताकि जो इस समय सार कंट्रीज जो है जो COVID-19 को फेस कर रही है उनको हेल्प कर सके हम, ताकि प्रोवाइड करें फाइनेंशियल सपोर्ट, साथ ही साथ सीवियर इकोनॉमिक इंपैक्ट जिसके वजह से COVID-19 के वजह से पैंडेमिक के वजह से हो रहा है, तो उनको हम या तो मेडिकल फैसिलिटी अमाउंट प्रोवाइड करें ताकि वो अपना जरूरत का सामान ले सके। अब आपको यहां से पूछता है एग्जाम में एक स्टैटिक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सार का कंट्रीज है कौन सा नहीं है, तो आपको सार का कंट्रीज ऐसे ही याद रखना है, 8 कंट्रीज होता है आपको याद रखना है, 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं नोट कीजिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7-8 कंट्रीज हैं। म्यांमार के साथ मालदीव्स को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना मालदीव्स है म्यांमार नहीं है। ठीक है, चलते आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है कि किसे एमडी और सीईओ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट किया, जो कि भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किसको अपॉइंट करता है एमडी और सीईओ, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग राजा को ये अपॉइंट करती है एमडी और सीईओ, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज सीईओ ऑफ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन ये तीन जो ऑप्शन है इसके साथ जो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो कहीं ना कहीं के अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम बाकी तीन भी आपको बताएंगे। तो ऑप्शन बी में जो है प्रशांत कुमार वो है सीईओ ऑफ यस बैंक। यस बैंक हाल फिलहाल बहुत न्यूज में था, यस बैंक का क्राइसिस, यस बैंक का अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के ऊपर ही एविजन इंस्टीट्यूट पे वीडियो है, जाके उसके बारे में देखेगा कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, कैसे वो डूब रहा था, बैंक को फिर से इंडिया ने उसको सपोर्ट करके उठा दिया। तो ये प्रशांत कुमार जो है सीईओ ऑफ यस बैंक है। सुमंत कथपालिया जो है वो सीईओ, हमारा ऑप्शन सी जो है वो सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक है। आपको नोट करते चलना कि सुमंत कथपालिया इंडसइंड बैंक के सीईओ है, साथ में संदीप बख्शी जो है वो सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा होमवर्क ये है कि ये जो चार बैंक है, सॉरी यहाँ पे जो तीन सीईओ बताए बैंक के, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको पॉजिटिवली आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा आंसर था उसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंट किया है पराग राजा को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आईआरडीआई, इसके थ्रू अपॉइंट हुए हैं, जिसके में ये रिक्विजिट डाला गया है, और ये किसको सक्सीड करते हैं ये भी पूछ सकता है कि इनके पहले कौन थे, तो अगर सक्सीड का बात करें तो पूछेंगे तो वो हो जाएगा विक्रम सेठ को सक्सीड करके राजा, जो कि पराग राजा है, वो अपॉइंट हुए हैं ये इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, भारतीय एक्सल लाइफ के एमडी एंड सीईओ। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th अप्रैल 2020। आई होप ये बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एविजन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।